हेलो दोस्तों, अंग्रेजी में किसी बात को कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी को धन्यवाद देने के लिए सिंपली थैंक यू बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट इट, जो कि सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है और सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन डालता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सिचुएशंस देखेंगे और सीखेंगे उनमें कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पहले एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट, अगर आप सारे सवालों के सही जवाब देते हैं तो बचा हुआ वीडियो स्किप कर सकते हैं। पहला सवाल है, आप किसी से उनके हाल चाल कैसे पूछेंगे? हाउ विल यू आस्क समवन वेदर दे आर वेल? यहां पर एक सैंपल आंसर दिया हुआ है, हाउ आर यू। अगला सवाल है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं तो आप उसका जवाब कैसे दोगे? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इफ समवन आस्क्स यू हाउ यू आर? सिंपल आंसर है, आई एम प्रिटी गुड। अगला सवाल है, कोई आपसे पता पूछता है लेकिन आप नहीं जानते तो आप उसे कैसे जवाब दोगे? Someone asks you for an address, but you do not know. How would you respond? Sample answer दिया हुआ है, Sorry, I have no idea. अगला सवाल है, कोई आपसे ड्राइविंग सीखने के लिए आपकी नई कार मांगता है, आप कैसे जवाब दोगे? Someone asks you for your new car to learn driving. How would you respond? तो बिकॉज आपकी नई गाड़ी है तो आपको मना करना है, तो क्वेश्चन है कि आप कैसे मना करेंगे। आप कह सकते हैं नो वे। अगला सवाल है, आपका पड़ोसी आपको अपनी कार में घर तक लिफ्ट देता है, आप उसे कैसे धन्यवाद देंगे? योर नेबर गिव्स यू अ लिफ्ट होम इन हिज कार, हाउ वुड यू थैंक हिम? आप बोल सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट इट। अगला सवाल है, अगर कोई आपकी छोटी सी मदद के लिए आपको धन्यवाद कहे तो आप कैसे उसको प्रतिक्रिया देंगे? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इफ समवन सेज थैंक यू फॉर योर स्मॉल हेल्प? आप बोल सकते हैं माय प्लेजर। अगला सवाल है, हाल के वर्षों में ज्यादा गर्मी के कारण के बारे में अगर आपको किसी से पूछना है तो उससे कैसे आप पूछेंगे? हाउ विल यू आस्क समवन्स ओपिनियन ऑन कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स इन रिसेंट ईयर्स? आप बोल सकते हैं What do you think the cause of high temperatures is in the recent years? जैसे मैंने पहले कहा कि अंग्रेजी में हम किसी चीज को कई तरीके से बोल सकते हैं, तो अगर आपने सारे सही जवाब दिए हैं, इवन दो आपके आंसर सैंपल से मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहें तो बचा हुआ वीडियो स्किप कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो कैसे उनको नमस्ते बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप हाय, हेलो, हे, हाय देयर, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इन सब का ही मतलब नमस्ते होता है। अगला सिनेरियो है, जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे उसके हालचाल कैसे पूछते हैं, तो हम यह कह सकते हैं हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है। दूसरा तरीका है हाउ इज इट गोइंग, इसका भी सेम ही मतलब है, कैसा चल रहा है। हाउ आर थिंग्स, हाउ इज लाइफ, जिंदगी कैसी चल रही है। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। हाउ इज योर फैमिली, आपके परिवार में सब ठीक है। अब जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं तो हमें उसको कैसे आंसर देना है, तो
आप बोल सकते हैं प्रेटी गुड, बहुत अच्छे, नॉट बैड, इतना ख़राब भी नहीं, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं लेकिन ज़्यादा ख़राब भी नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि नॉट बैड, या फिर आप बोल सकते हैं कुडंट बी बेटर, इसका भी मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इससे अच्छे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, कांट कंप्लेन, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि कांट कंप्लेन, सेम एज ऑलवेज, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है यूजुअली तो आप बोल सकते हैं कि हमेशा की तरह कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज ऑलवेज, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं नॉट सो ग्रेट। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए मना करना है तो हम कैसे किसी को मना करते हैं, तो कुछ तो सिंपल तरीके हैं, जैसे आप नो बोल सकते हैं सीधा, लेकिन उसी चीज़ को थोड़ा पोलाइटली भी अलग अलग तरीके से हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, और आपको अगर पता है कि क्या क्या अलग अलग तरीके हैं तो आप सिचुएशन के हिसाब से अपना आंसर यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है सिंपल नो, नोप, इसका मतलब नहीं। दूसरा है नो वे, अगर कोई ऐसा सवाल करता है जिस जो पॉसिबल ही नहीं है तो उसको बोल सकते हैं नो वे। एक और तरीका है, आप कह सकते हैं आई कैन नॉट डू दैट, मैं वैसा नहीं कर सकता, या फिर आप कर नहीं सकते तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइए अब देखते हैं कि धन्यवाद देने के क्या क्या तरीके हैं, हम क्या क्या कैसे धन्यवाद बोल सकते हैं। थैंक्स, थैंक यू, आप ऑलरेडी परिचित होंगे इनसे। थैंक्स अ लॉट, अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की है तो आप बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, उसका भी सेम ही मतलब है, या फिर बोल सकते हैं थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, आई रियली अप्रिशिएट इट, जो आपने किया है मैं उसकी सराहना करता हूँ, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत ही दयालु हैं, आई कांट थैंक यू एनफ, आपने बहुत ज़्यादा मदद की है, मैं उसको अपने शब्दों से बोल नहीं सकता। आइए अब देखते हैं कि अगर किसी ने आपको थैंक यू बोला है तो उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका जवाब कैसे देते हैं। एक है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, मतलब अगर आपको पता है कि आपने बस छोटी सी मदद की है तो आप बोल सकते हैं कि नो वरीज या कोई बात नहीं है, डोंट मेंशन इट, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, माय प्लेजर, आपकी मदद करने में मुझे अच्छा लगा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि माय प्लेजर, एनी टाइम, तो एनी टाइम का लिटरल मीनिंग है कि किसी भी समय, लेकिन मदद के लिए तैयार इसमें हिरन है तो आप बोल सकते हैं एनी टाइम, इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, इसका मतलब है कि कम से कम यह तो मैं कर सकता था, ग्लैड टू हेल्प, अगर किसी की मदद करके आपको अच्छा लगा तो आप बोल सकते हैं कि ग्लैड टू हेल्प, आपकी मदद करके मुझे खुशी मिली। आइए अब देखते हैं कि किसी से माफी मांगने के क्या अलग अलग तरीके हैं। पहला है सिंपली आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, या फिर बोल सकते हैं आई बैग योर पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा, तो आई बैग योर पार्डन मतलब माफ़ कीजिए या क्षमा कीजिए, इट्स माय फॉल्ट, अगर आपने कुछ किया है और आपको एहसास है तो आप बोल सकते हैं कि ये मेरी गलती थी, आई अपोलोजाइज फॉर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए देखें कि अगर कोई हमसे माफ़ी मांग रहा है तो उसको जवाब देने के क्या क्या तरीके हैं। वेज टू रिस्पॉन्ड टू एन अपॉलजी, आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, इसकी चिंता मत करो, इट हैपन्स, गलती हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि किसी से अगर हमको इन्फॉर्मेशन मांगनी है तो हम कैसे मांग सकते हैं, जानकारी मांगने के तरीके।
पहला है आप पूछ सकते हैं डू यू नो, और फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डू यू नो द एड्रेस ऑफ द लाइब्रेरी। डू यू नो का मतलब है क्या आप जानते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वुड यू हैपन टू नो, क्या आपको पता है, या फिर बोल सकते हैं आई वॉज वॉन्डरिंग, मैं जानना चाह रहा था। आइए देखते हैं कि अगर किसी ने आपसे कुछ जानकारी मांगने के लिए क्वेश्चन किया है लेकिन आपको पता नहीं है, तो हम उसे कैसे कहेंगे कि हम नहीं जानते। पहला है बोल सकते हैं कि आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे पता नहीं है। दूसरा है आई हैव नो आइडिया, इसका भी सेम ही मतलब है मुझे पता नहीं है। तीसरा है आई हैव नो क्लू, मेरे पास कोई सुराग नहीं या फिर मुझे कोई जानकारी नहीं है। चौथा है सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू देयर, क्षमा करें मैं इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता। आइए देखते हैं कि हम किसी से उसकी राय कैसे पूछ सकते हैं, वेज टू आस्क समवनस ओपिनियन। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट, आपकी क्या राय है। जैसे अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द वॉर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द पोल्यूशन, तो जो भी शब्द है या फिर जो भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है तो उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला है आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तीसरा है व्हाट आर योर व्यूज ऑन, इसका भी सही मतलब है आपके क्या विचार हैं। आइए देखते हैं कि अगर हमें बातचीत खत्म करनी है तो उसको किन तरीकों से हम बोल सकते हैं, वेज टू एंड ए कन्वर्जेशन। आप बोल सकते हैं कि इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, या फिर बोल सकते हैं इट्स टाइम फॉर मी टू लीव, मेरे जाने का समय हो गया है। सॉरी आई एम अफ्रेड आई नीड टू लीव, क्षमा करें मुझे जाना होगा। आई शुड गेट गोइंग, मुझे चलना चाहिए। आइए देखते हैं कि जब हम कहीं से जा रहे हैं किसी से बात करने के बाद तो उस समय क्या बोलते हैं, वाइल डिपार्टिंग व्हाट डू वी से। तो सिंपली हम कह सकते हैं बाय, या फिर बोल सकते हैं सी यू लेटर, फिर मिलते हैं, टेक केयर, या फिर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, या फिर बोल सकते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वन, इसका मतलब होता है कि आपका दिन शुभ हो।